नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MNP नॉलेज स्कूल में। साथियों, अक्सर आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि किस उम्र में कौन सी LIC पॉलिसी लेनी चाहिए या किस उम्र के लिए कितनी LIC पॉलिसी हैं। हम अक्सर पढ़ते हैं जीवन आनंद है, जीवन लाभ है, जीवन उमंग है, लेकिन क्या हर पॉलिसी हर उम्र के लोगों को दी जा सकती है या हर उम्र का व्यक्ति हर पॉलिसी ले सकता है? इसका जवाब है नहीं। हर उम्र के हिसाब से अलग-अलग पॉलिसी है। आज इस रहस्य से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस एज पे LIC की कौन सी पॉलिसी ली जा सकती है और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। साथियों, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ हर वीडियो के स्टार्टिंग में कि LIC के पॉलिसीज़ पे सोवरेन गारंटी है भारत सरकार के द्वारा और भारत सरकार का बैकअप है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है LIC, और LIC एक्ट 1956 ने LIC को नेशनलाइज किया और ये भी बताया कि भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा उसको बैकअप मिलेगा, गारंटी प्राप्त रहेगी। इसलिए आपका पैसा 100% यहाँ सेफ है, सिक्योर है, और आप आंख बूंद कर अगर इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो LIC से ही कराइए। साथियों, आइए अब देखते हैं कि किस एज पे कौन सा प्लान मौजूद है। साथियों, देखिए एज ग्रुप यहाँ दिया हुआ है, कौन से प्लान से वो दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ प्लान्स यानी कि एक एज ग्रुप पे कितने प्लान्स हैं, उनके नंबर क्या क्या हैं, वो सब यहाँ पे मैंने एक जगह आपको बता दिया है। जैसे एज ग्रुप 0 से 7, अक्सर एक आम आदमी को के मन में ये सवाल उठता है कि जैसे अगर बच्चा है कोई 0 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, तो उसको हम कौन कौन सा प्लान दे सकते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस एज ग्रुप में कौन सा प्लान हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे एज ग्रुप के हिसाब से ही समझाया गया है। जैसे एज ग्रुप है 0 से 7, इसमें देखिए 6 प्लान्स अवेलेबल हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? 817, ये कौन सा प्लान है? ये है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट, ठीक है। ये सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसमें आप एक मुश्त पैसा LIC में फिक्स कर सकते हैं, उस पर आपको बीमा मिलेगा और एक निश्चित अवधि के समाप्ति पे आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा बोनस के साथ। 832 है जिसको चिल्ड्रन मनी बैक बोलते हैं, इसका वीडियो भी आप ज़रूर देखें। 834 जीवन तरुण है, ये 0 से लेके 12 साल के बच्चों के लिए होता है। जी हाँ, चिल्ड्रन मनी बैक यानी 832 और 834 दोनों का जो एज ग्रुप है वो 0 से 12 साल के बच्चों का है। अंतर बस ये है कि जीवन तरुण जो है वो 0 से 12 साल तो है, लेकिन उसमें बच्चे की उम्र कम से कम 90 दिन होनी चाहिए, यानी 3 महीने का बच्चा एटलीस्ट होना चाहिए। लेकिन ये शर्त 832 यानी चिल्ड्रन मनी बैक में नहीं है, यानी अगर बच्चा आज पैदा हुआ है आज ही आप उसका बीमा कर सकते हैं, आपको 90 दिन की वेटिंग पीरियड की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्लान है 835। 835 प्लान जो है वो LIC का एंडोमेंट प्लान है, जो एक एंडोमेंट यूलिप प्लान यानी कि, ठीक है, यानी कि ये न्यू एंडोमेंट प्लस है, ठीक है। जिस प्लान के आगे प्लस लगा होता है वो यूलिप प्लान होता है, एक LIC का एकमात्र ये यूलिप प्लान है। 845 साथियों, 845 नंबर जो प्लान है वो आपका जीवन उमंग है। जीवन उमंग 8% गारंटीड आपको मनी बैक हर साल देता है मैच्योरिटी के बाद, और ये LIC का होल लाइफ प्लान भी है। होल लाइफ का मतलब होता है कि जब तक आपकी जीवन है तब तक आपको बीमा कवर मिलता रहेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस है 904, जिसको हम जीवन आरोग्य बोलते हैं। इसमें आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख, चार ऑप्शंस हैं, चार सम एश्योर्ड हैं, उसकी पॉलिसी आप ले सकते हैं। जीवन आरोग्य कम प्रीमियम पे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। तो जैसा हमने देखा कि 0 से 7 साल के एज ग्रुप पे हमारे पास 6 प्लान्स मौजूद हैं, और ये ग्रुप
एकमात्र ऐसा ग्रुप है, जैसे आप सारे ग्रुप्स को देखेंगे, मतलब 60 साल से कम के लोगों में तो सबसे कम प्लान इस एज ग्रुप में है, ठीक है। लेकिन अगर इस एज ग्रुप में आपको किसी को भी, जैसे आप अगर मुझसे पूछे, मैं यही बताऊंगा इस वीडियो में कि किस एज ग्रुप में आप कौन सा प्लान सबसे पहले करें, तो इस एज ग्रुप में मैं कहूंगा कि सबसे बेहतर प्लान अगर बच्चे के नाम से करना है तो आप जीवन तरुण करिए, और अगर किसी को होल लाइफ प्लान करना है बच्चे के लिए तो 845 यानी कि जीवन उमंग करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लान अच्छे नहीं है, LIC के सारे प्लान अच्छे हैं, लेकिन जैसे अगर आप आम आदमी हैं, आम व्यक्ति हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं ये राय दूंगा कि अगर इस एज ग्रुप में आप प्लान ले रहे हैं तो जीवन तरुण और जीवन उमंग बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। दूसरा एज ग्रुप है 8 से 11। 8 से 11 में साथियों 12 प्लान्स हैं, यानी बच्चा आपका 8 का जैसे हुआ, प्लान्स की संख्या बढ़ गई, 12 प्लान्स हो गए हैं। कौन से हैं? 814 इसमें ऐड हो गया। ये है न्यू एंडाउमेंट प्लान, यानी कि न्यू बंदोबस्ती योजना, LIC का सबसे पुराना प्लान है। LIC जब से नेशनलाइज हुई 1956 से, तब से ये प्लान चल रहा है, जिसको हम 814 बोलते हैं। सिंपल प्लान है, और सारे प्लान्स जो LIC के आगे हुए हैं, जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, वो सब इसी प्लान का रिफाइनमेंट है, मॉडिफिकेशन है, यानी कि इसी प्लान को मॉडिफाई कर करके अलग अलग प्लान्स बनाए गए। तो ये प्लान भी अच्छा है। 817 जैसे मैंने बताया कि सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट है, जीवन रक्षक है 827, कम प्रीमियम पे अगर आप बीमा कराना चाहते हैं, ज़्यादा प्रीमियम आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप जीवन रक्षक कराइए। 832 जैसा मैंने बताया कि चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है बच्चों के लिए, 834 जीवन तरुण है, 835 एंडाउमेंट प्लस है, 836 प्लान ऐड हो गया जीवन लाभ। जीवन लाभ का भी वीडियो ऊपर सजेशंस में आ रहा होगा, अगर आप जीवन लाभ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप ऊपर ज़रूर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और 843 और 844, इन दोनों प्लान को हम कहते हैं जीवन आधार स्तंभ, सॉरी आधार स्तंभ और आधारशिला। 843 नंबर प्लान जो है वो आधार स्तंभ है, जिसमें मेल मेंबर्स का बीमा होता है, पुरुषों का बीमा होता है, और 844 नंबर जो है महिलाओं का यानी फीमेल लोगों का बीमा होता है, 844 जिसको बोलते हैं। 845 जीवन उमंग है, 848 नंबर प्लान है, ये भी ऐड हो गया, ये बीमा श्री है। बीमा श्री भी जो करोड़पति प्लान था, यानी कि जो आपका जीवन शिरोमणि प्लान है जो मिनिमम 1 करोड़ का होता है, उसका ही एक मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये बीमा न्यूनतम 10 लाख से स्टार्टिंग होती है और 8 साल से लेकर 55 साल तक के लोग ये प्लान ले सकते हैं। और आखिरी प्लान है इस ग्रुप में 904, यानी कि जीवन आरोग्य, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। साथियों, अगर आपकी उम्र 12 साल है तो आपके पास 13 प्लान हैं, बाकी सारे प्लान्स वही हैं जो 8 से 11 में हमने बताया था आपको, जैसे कि 814 भी है, 17 भी है, 827 भी है, 832 भी है, 834 भी है, 835 भी, 836 भी है, लेकिन एक प्लान इसमें आपका ऐड हो रहा है, 838 नंबर, यानी जीवन प्रगति, यानी कि जीवन प्रगति जो प्लान है वो 12 साल का व्यक्ति करा सकता है, लेकिन 12 साल से नीचे का व्यक्ति नहीं करा सकता है, यानी ये एक प्लान ऐड होकर बाकी सारे प्लान वही हैं जो 8 से 11 साल के बीच के लोग करा सकते हैं, ठीक है। जीवन प्रगति प्लान क्या है? जीवन प्रगति प्लान जो है वो इंक्रीजिंग रिस्क कवर का प्लान है, 12 साल से लेके 45 साल तक के लोग ये प्लान ले सकते हैं, और इसमें होता ये है कि हर 5 साल पे इसमें 25%, यानी पहले 5 साल में अगर बीमा 1 लाख का है तो अगले 5 साल यानी 6 से 10 साल के बीच में सवा गुना, यानी कि वो बीमा अगर 1 लाख का था तो 1.25 लाख का हो जाएगा, और फिर 11 साल से लेकर 15 साल के बीच में वो बीमा 1.5 गुना, यानी कि अगर 1 लाख का बीमा था तो 1.5 लाख का हो जाएगा, और फिर अगले 5 साल यानी 16 से 20 साल के बीच में उसका 2 गुना, यानी अगर 1 लाख का बीमा है तो वो बीमा 2 लाख का माना जाएगा, और उस पर बोनस ऐड होकर नॉमिनी को डेथ पे या मैच्योरिटी पे अगर आदमी जीवित रहता है तो मिल जाता है। जीवन प्रगति प्लान है ये, यानी हर 5 साल पर इसका अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप जीवन प्रगति 848 नंबर प्लान ले सकते हैं, जो एज ग्रुप है वो 12 से 45 साल के बीच का है, ठीक है। अब हम आते हैं 13 से
14 साल के व्यक्ति का है। तो देखिए इसमें भी 13 प्लान है, ठीक है। इसमें एडिशन क्या हो रही है, इसमें एडिशन हो गई है मनी बैक, 820 और 821 नंबर। यानी कि जो मनी बैक का वीडियो आप ज़रूर देखिए, इसका भी सजेशंस बॉक्स में आ रहा होगा। और ये वीडियो भी मैंने बनाया है, दोनों प्लान है, 820 नंबर 20 वर्षीय धन वापसी योजना है, और 821 नंबर जो है वो 25 वर्षीय धन वापसी योजना, 20 ईयर्स मनी बैक एंड 25 ईयर्स मनी बैक। इसमें हर 5 साल पे कुछ पैसा मनी बैक मिलता है, और इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी सारे प्लान जो हैं वो आपके सेम हैं, यानी कि बीमा श्री है, आपका जीवन प्रगति है और आपका जीवन आरोग्य है, ठीक है। एक एज ग्रुप और आता है 15 से 17। देखिए एक एज ग्रुप है जिसको जो है 6 और 7 साल के बच्चे का, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा प्लान दें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपके पास अब क्लियरिटी हो जाए। वैसे ही एज ग्रुप होता है एक 15 से 17 साल में, इसमें भी जब आप पहुंचेंगे या पॉलिसी कराना चाहेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी पॉलिसी लें। तो इसमें लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि 14 प्लान्स हैं, यानी इस एज ग्रुप में भी 14 प्लान्स हैं आप करा सकते हैं। वो कौन से प्लान्स हैं, वो सारे वो प्लान्स हैं जो आपके पास 13 से 14 साल वाले व्यक्ति में था। बस एक प्लान आपका 816 बीमा बचत, बीमा बचत जो प्लान है वो सिंगल प्रीमियम मनी बैक प्लान है, जिसमें आपके पास 3 टर्म होते हैं, 9 साल 12 साल और 15 साल का। और इस इन टर्म्स के लिए आप पैसा फिक्स कर सकते हैं, और 15 साल से लेके 66 वर्ष तक का व्यक्ति ये प्लान ले सकता है। इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने 9 साल के लिए प्लान लिया तो 3रे साल पे और 6ठे साल पे बीमा धन का 15% जो है LIC वापस करेगी, और 9 साल यानी मैच्योरिटी पे जो बच गया पैसा वो और लॉयल्टी एडिशन यानी जो बोनस का एक रूप होता है वो जोड़कर LIC आपको वापस करेगी, या ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि जो प्रीमियम आपने LIC को दिया था वो वापस करेगी लास्ट में लॉयल्टी एडिशन ऐड करके, ठीक है। तो 15 से 17 साल के बीच में 14 पॉलिसीज हैं, 14 प्लान्स हैं। अब देखिए अब जो एज ग्रुप स्टार्ट होगा 18 साल से लेके, आप देखेंगे कि प्लान की संख्या बढ़ती जाएगी, 20 22 24, क्योंकि 18 साल से लेके प्लान्स की बाढ़ आ जाती है, ठीक है। अब जैसे अगर उम्र 18 और 19 साल है तो आप देखेंगे कि 20 प्लान्स हैं, वो कौन कौन से हैं, 814 यानी न्यू एंडाउमेंट, 815 जीवन आनंद ऐड हो गया है, LIC का बहुत ही शानदार प्लान है जीवन आनंद, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है आप ज़रूर देखें। और 816 है बीमा बचत, 817 है सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट, 820 821 मनी बैक प्लान है, 822 823, देखिए 2 प्लान और ऐड हो गया, 822 823 जो है वो टर्म प्लान है, अवधि बीमा है। अवधि बीमा क्या होता है, अवधि बीमा का मतलब ये होता है कम प्रीमियम पे ज़्यादा रिस्क कवर, और यानी कि अगर टर्म के दौरान डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की ओर तो अच्छा क्लेम मिल जाता है, अच्छा पैसा मिल जाता है, लेकिन अगर मैच्योरिटी तक वो जीवित रहा तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि इसका प्रीमियम इतना कम होता है तो इसलिए इसको कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। जो 822 नंबर है उसका नाम अनमोल जीवन है, और जो 823 नंबर है उसका नाम अमूल्य जीवन है। अनमोल जीवन जो होता है वो न्यूनतम जो है उसका टर्म 5 साल है, अधिकतम 25 साल है। बीमा जो है वो न्यूनतम 6 लाख का होता है और अधिकतम 24 लाख का होता है। और अमूल्य जीवन यानी 823 नंबर जो प्लान है वो 18 साल से लेके 60 साल तक का व्यक्ति ले सकता है, 5 साल से लेके 35 साल का टर्म हो सकता है, लेकिन इसमें जो न्यूनतम बीमा स्टार्टिंग होगी वो 25 लाख की होगी। यानी अनमोल जीवन 24 लाख पे ख़त्म हो रहा है 822 नंबर, और अमूल्य जीवन 823 नंबर 25 लाख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एक इसमें प्लान और ऐड होता है वो है 830, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड पेमेंट एंडाउमेंट प्लान। कम समय तक आपको प्रीमियम देना है लेकिन आपको रिस्क कवर लंबे समय तक लेना है, तो आप जो हैं लिमिटेड पेमेंट प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान भी लेंगे, ठीक है। और इस प्लान में जो है आपका जैसे कि 12 साल का टर्म है, 16 साल का टर्म है, 21 साल का टर्म है, लेकिन प्रीमियम आपको सिर्फ 8 या 9 साल तक ही देना है, तो ये प्लान भी अच्छा है, ठीक है। बाकी आपका जीवन लक्ष्य की एंट्री होती है कन्यादान योजना, LIC का एक मैं कहूँगा मोस्ट फेमस प्लान, जिसमें आप जो हैं बहुत अच्छे रिस्क कवर पे अच्छे रिटर्न पे प्लान ले सकते हैं। इसका भी वीडियो बना हुआ है आप ज़रूर देखें,
835 नंबर है यूलिप प्लान न्यू एंडाउमेंट प्लस, 836 जीवन लाभ है, जीवन लाभ LIC का हाई रिटर्न प्लान है, 838 में जैसे मैंने बताया जीवन प्रगति, और बाकी सारे प्लान वही हैं जो 15 से 17 साल वाले एज ग्रुप में थे, ये आधार स्तंभ, आधारशिला, जीवन उमंग, और आपका जो है देखिए, हाँ एक प्लान और ऐड हुआ है वो है आपका जीवन शिरोमणि, LIC का एकमात्र ऐसा प्लान जिसमें स्टार्टिंग 1 करोड़ रुपए के बीमे से होती है, HNI कस्टमर के लिए है। ये वीडियो अभी मैंने कल परसों में ही बनाया था, जो अच्छा प्रीमियम दे सकता है उसके लिए जीवन शिरोमणि है, और ये प्लान LIC का गारंटीड बोनस प्लान है, यानी LIC इसमें पहले 5 साल पे 50 रुपये और उसके बाद प्रीमियम पेइंग टर्म की समाप्ति तक 55 रुपये प्रति हज़ार बोनस देती है। ठीक है, फिर देखिए 20 से 29 साल के बीच में 22 प्लान्स हैं, यानी कि प्लान्स की संख्या बढ़ गई। कहाँ से बढ़ी? एक उसमें कैंसर कवर यानी 905 नंबर प्लान ऐड हो जाता है। कैंसर कवर के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप कैंसर कवर पे बना हुआ हमारा वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, एक आपका ये प्लान जो है 20 से 29 साल के बीच में ऐड होता है, और साथियों इसमें भी एंडाउमेंट है, जीवन आनंद है, बीमा बचत है, सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट है, लेकिन इसमें 818 नंबर भी ऐड हो जाता है। 818 नंबर के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, 818 नंबर को जीवन निधि कहा जाता है। ये LIC का एकमात्र पेंशन प्लान है, जिस जो मूल रूप से पेंशन प्लान है वो जीवन निधि प्लान है। इसमें आप जो है सिंगल प्रीमियम जो है जीवन निधि ले सकते हैं, यानी एकमुश्त पैसा देकर भी पेंशन ले सकते हैं, या आप जो हैं रेगुलर प्रीमियम देकर भी पेंशन ले सकते हैं। ये प्लान जो है 7 साल से लेके 35 साल तक है, अगर रेगुलर प्रीमियम आप देते हैं, और सिंगल देते हैं तो 5 से 35 साल के बीच में है, लेकिन ये प्लान कम होता है। ठीक है, जीवन निधि जो है कम होता है, बेसिकली इसके पीछे वजह यह है कि इस प्लान का ज़्यादा जो है मार्केटिंग नहीं होती है। ठीक है, फिर हम आते हैं 30 साल से लेके 45 साल के बीच में, इसमें देखिए 24 प्लान हैं। अब देखिए 30 साल में आपका 189 नंबर, और LIC का सबसे प्यारा प्लान जीवन शांति 850 नंबर भी ऐड हो जाता है। जीवन अक्षय 189 और जीवन शांति 850, ये दोनों प्लान जो है सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है, एक मुश्त आप पैसा LIC को देते हो और LIC आपको पेंशन देना शुरू कर देती है। और जीवन शांति के बारे में एक बहुत ही शानदार वीडियो मैंने बनाया है, उसको भी आप जरूर देखें। तो ये दो प्लान ऐड होने से प्लान्स की संख्या जो है 30 से 45 साल में 24, और ये भी मैं बता दूं सबसे ज़्यादा प्लान्स अगर किसी एज ग्रुप के लिए अवेलेबल है तो वो 30 से 45 साल तक के व्यक्ति का है, यानी कि 24 बीमे 24 प्लान्स हो सकते हैं। फिर हम आते हैं 46 से 50 साल के व्यक्ति के बीच में, इनके लिए 22 प्लान्स हैं। देखिए इसमें 821 नंबर प्लान माइनस हो गया, यानी 25 साल का मनी बैक माइनस हो गया, क्योंकि उसकी मैक्सिमम एज 45 थी। ठीक है, इसलिए जो है प्लान की संख्या आपकी कम हुई थी। और यही नहीं, 800 जो है इसमें देखिए बाकी सारे प्लान्स हैं, इसमें आपका जीवन लक्ष्य है, आपका एंडाउमेंट प्लस है, इसमें आप देखेंगे कि आपके 836 नंबर है, जीवन प्रगति इसमें नहीं है 838 नंबर, क्योंकि जीवन प्रगति जैसे मैंने बताया था कि 12 से 45 साल तक के लोग ही ले सकते हैं, इसलिए प्लान्स की संख्या 22 हो गई है 24 से। फिर हम आते हैं 51 साल से 55 साल तक के बीच में, ये एज ग्रुप भी एक ऐसा एज ग्रुप है, अभी करता है आम आदमी कोई समझ नहीं पाता है कि कौन सा प्लान है। आप देखिए 18 बीमे हैं 51 से 55 साल की एज ग्रुप में, जीवन अक्षय, न्यू एंडाउमेंट, बीमा बचत, सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट, अमूल्य जीवन, जीवन निधि, अनमोल जीवन, जीवन रक्षक, लिमिटेड एंडाउमेंट, जीवन लाभ वगैरह वगैरह, देखिए 18 प्लान्स हैं। और 56 से 58 साल के बीच में 10 प्लान्स हैं, जीवन अक्षय, बीमा बचत, और बाकी सारे प्लान्स जो पहले की एज ग्रुप में थे वो। 59 साल की एज में भी 9 प्लान्स हैं, 60 साल की एज में भी 9 प्लान्स हैं, इवन 61 और 62 साल की एज में भी 8 प्लान्स हैं, जीवन अक्षय, बीमा बचत, सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट, 830 लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट एंडाउमेंट प्लान, 842 नंबर प्लान है, ठीक है, 850 है,
904 है और 905, यानी 904 कौन सा प्लान है, वो आपका जो हेल्थ प्लान है जीवन आरोग्य, और 905 जो है आपका वो कैंसर कवर प्लान है, ठीक है। फिर 66 साल की एज में आप देखेंगे कि फिर आपका 189 नंबर है, जी हाँ, और जीवन अक्षय 842 है, 850 है, 816 है। 850 आपका जीवन शांति है और 816 आपका बीमा बचत है। 60 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए एक प्लान जो 842 है वो आपका प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, भारत सरकार का प्लान है, LIC इसको सेल करती है। इसमें आप एक मुश्त पैसा दे के पेंशन ले सकते हैं और ये प्लान 60 साल से ऊपर के व्यक्ति का है, इसलिए 842 842 842 यहाँ पे ऐड हुआ है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। और 66 साल की उम्र के व्यक्ति के लिए भी 4 प्लान हैं, जीवन अक्षय, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जीवन शांति और बीमा बचत। ये चारों प्लान सिंगल प्रीमियम प्लान हैं, यानी हायर एज पे बेसिकली सिंगल प्रीमियम प्लान्स ही उपलब्ध हैं। और 67 और अबव पे, यानी कि 67 साल का व्यक्ति है या उससे ज़्यादा है, तो 3 प्लान अवेलेबल हैं, जीवन अक्षय, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना और जीवन शांति, उनके लिए भी 3 प्लान्स ऐड हैं। साथियों, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये रहा है कि एक आम आदमी, आम अभिकर्ता, आम एजेंट या कोई भी व्यक्ति जो ये जानना चाहता है कि किस एज ग्रुप में LIC की कौन सी प्लान्स मौजूद हों, उनको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए, उनको एक आइडिया मिल जाए कि उनके पास वैराइटीज़ हैं, वो प्लान्स ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ क्लियरिटी हो गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, और आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।